Takbir! Allahu Akbar! Assalamu alaikum. मेरे मोहतरम साथीदार कराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में चंद अल्फाज बोलूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाहा व अतीउर रसूल, फइन तवल्लैतुम फइन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की ये दो आयतें तिलावत की है, जिनका तर्जुमा यह है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी और इताअत करो। दूसरे जगह फरमाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। हजरात, मैं चाहता हूँ कि इन्हीं दोनों आयत के तर्जुमे की रोशनी में इताअत रसूल के बारे में आप हजरात के सामने अर्ज करूँ। दोस्तों, बुजुर्गों, आज की ये महफिल जहाँ हर तरफ रहमतों की बारिश हो रही है, जहाँ सकीना नुज़ूल हो रहा है, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते लोगों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मैं आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बातें करूंगा ताकि दोनों जहाँ में हम सबको कामयाबी नसीब हो। हज़रात, कुरान मजीद के आयात और उनके माने मतलब पर गौर करें। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। इताअत के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी जरूरी है। कुरान मजीद में इरशाद है, मैं युते रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इसका मफ़हूम यह निकलता है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और ताबेदारी करना चाहता है तो उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि खुदा की इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हारे नजदीक उसके वास्ते लड़के और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की इताअत और ताबेदारी करने की तौफीक दे। आमीन।